स्वागत है दोस्तों आपका, और ये है वर्ल्ड सद्गुरु इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो फगवाड़ा के अंदर है, यो वर्ल्ड की। हम आज स्कूटी देखने आए हैं जो आपको दिख भी रही है, और चलो ये देखते हैं और ये क्या क्या एवरेज देती हैं, ये सारा कुछ आज हम इनको देखने वाले हैं और इनको चला के भी हम देखेंगे और क्या ये एवरेज देती है हम आपको सारा कुछ बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और अंदर जाके देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और भैया जी से पूछते हैं मॉडल वाइज मॉडल और क्या क्या मॉडल हैं और कौन कौन से मॉडल हैं, और बैटरी का डिफरेंस बताना, किलोमीटर का थोड़ा रेंज का भी अप्रोक्स बता देना कि कितनी पड़ने वाली है, और लोन भी है इसके ऊपर, लोन भी हो जाता है। चलो तो सारी वो भी बाद में बात करते हैं, तो चलो बेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। तो 50,000 के अराउंड ये स्टार्ट हो जाता है आसपास। ये तो ये बेस मॉडल है, आप देख रहे हो प्यारा तो लग रहा है बहुत अच्छा। तो इसमें कौन सी बैटरी डली हुई है आप बताइए? इसमें सर लेड एसिड बैटरीज हैं। लेड एसिड बैटरी है इसके अंदर, मैं ठीक बोल? ठीक है। तो ये इसका डिजिटल मीटर है, मैं मीटर भी दिखा देता हूँ आपको, और ये इसका एक मीटर है डिजिटल। जो टॉप स्पीड है 35 से 40 तक जाती है इसकी, जो टॉप स्पीड है वो 30 से 35 से 40 तक जाती है, 40 तक जाती है जो आप मीटर पे देखिए। और कितना लोड ले लेती है ये? 1.5 क्विंटल वेट कैपेसिटी है इसकी। किलो में अगर बात करें तो कितना किलो एक ले लेती है? 150 किलो, मतलब कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं इसके, अप्रोक्स 50 किलो का अगर एक है, अगर ज़्यादा है तो 2 लोग बैठ सकते हैं। 2 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा मॉडल आता है आपके पास? ये 60,000 के आसपास पड़ जाता है। ये आसपास 60,000 सेम मीटर डिजिटल होगा। और पर इसमें डिफरेंस क्या है 60,000 अगर हम इसमें? डिफरेंस इसमें सर एक तो ये जो गाड़ी है उससे थोड़ी लुक वाइज हैवी लुक आ जाती है। ओके। और इसकी जो किलोमीटर है वो भी बढ़ जाती है, जैसे ये 40 से 50 किलोमीटर तक चलती है, ये 60 से 70 किलोमीटर तक चलती है। ये 60 से 70 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। और इसकी जो टॉप स्पीड है तो थोड़ी बढ़ जाती है, ये 40 से 45 इसकी टॉप स्पीड आ जाती है। ओके ओके। और फीचर्स वाइज दोनों ये सेम है। ओके। फीचर्स है इसमें LED लाइट लगी हुई है जैसे कि आप देख ही रहे हो, ठीक है। और इनके जो टायर है दोनों ट्यूबलेस है। अच्छा। इसकी जो फ्रंट वाली ब्रेक है वो डिस्क लगी हुई है। ओके ठीक है। और इसमें रिवर्स गियर की फैसिलिटी भी है, ठीक है, ये रिवर्स भी हो जाती है। तो रिवर्स का बेनिफिट कहाँ पे जरूरत पड़ती है रिवर्स? जैसे कोई लेडीज है, जैसे छोटा बच्चा चला रहा है, जैसे कोई पीछे कोई ईंट आ जाती है तो थोड़ी पीछे चढ़ाई आ जाती है ना, तो होती नहीं है पीछे पैर से, इसलिए फैसिलिटी दी गई है। चलो तो गुड है, तो एक फैसिलिटी है जो ऐसे सरकमस्टेंसेस से बनती है, ठीक है। तो उसके बाद कौन और क्या इसके अंदर आप बताना चाहते हैं? और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इसमें? 1, 2, 3 जो स्पीड मोड दिए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो 1, 2, 3 लिखा हुआ है। इससे आप स्पीड कम और ज्यादा कर सकते हो, जैसे 1 पे है तो ये 20-25 के आसपास चलेगी, 2 पे जाओगे तो आप 30-35 में चलेगी, अगर 3 पे कर देगा तो 45 तक जाने से, मतलब कि अगर कोई इसको बच्चा भी चला रहा है एज वाइज, तो आप ये कह रहे हो आप उसको सेट ही करके दे दो, उससे ज्यादा वो स्पीड जाएगी नहीं। ये भी एक फ्यूचर, तो ये भी काफी अच्छा फ्यूचर दिया गया। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जा रहे हो, घर से मोबाइल चार्ज नहीं किया, तो इसमें एक और फैसिलिटी है भी, आप अपना मोबाइल फोन चार्जिंग में लगवा सकते हो। अच्छा। यहाँ डाटा के भी लगा के आप यहाँ फोन आगे रख सकते हो, काफी स्पेस है, अगर 2 फोन रख सकते हो, वैसे अगर रखना है, अगर कोई सामान रखना है तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है इसका? जो सेंटर लॉकिंग है, जैसे हमारी गाड़ी रिमोट से सेंटर लॉक हो जाती है, वैसे लॉक हो जाती है, जैसे हमने देखा यहाँ से लॉक कर दी, अगर इसे कोई छुएगा तो 11 बजने लग जाएगा, ठीक है, अगर फिर मैं इसे लाऊंगा तो फिर 11 बजने लग जाएगा, ठीक है। और इसका सेकंड बेनिफिट क्या है? जैसे हमने सेंटर लॉक कर दी है, अगर इसे कोई हिलाएगा तो अलार्म तो बजेगा ही, और इसका जो पीछे वाला जो व्हील है वो लॉक हो जाता है, जो आगे पीछे होता नहीं है, जैसे मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा, अभी मैंने इसे लॉक कर दिया, अगर इसका जो व्हील है अभी देखोगे तो ये लॉक हो जाएगा। अगर आप इसे चाबी से नहीं स्टार्ट करना चाहते तो रिमोट से भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे यहाँ से 2 बार टैप करोगे तो आप स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप देख रहे हो कि ऊपर मीटर जो है वो शो कर रहा है, इसका मतलब है अगर मीटर शो कर चुका है तो ये स्टार्ट है, तो सो ये अगर यहाँ से बंद शो कर दी है, अगर यहाँ से स्टार्ट की है तो यहाँ से ही बंद हो जाएगी, यहाँ से 2 बार टैप करने पर ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और यहाँ से ये बंद हो जाती है, ठीक है सर। और आगे भी स्पेस वगैरह काफी है, अगर इसकी मैं डिग्गी की बात करूँ तो आप इसमें भी सामान इजीली रख सकते हो, ठीक है सर। और चलो मैं आपको ये बता देता हूँ ये चार्जिंग वैसे कैसे लगती है। ये सर इसका चार्जर है, और चार्जर जैसे हमारे घर में जो प्लग होता ही है, जो नॉर्मल शू होता है, 3-पीस शू है, एक तो ये यहाँ लग जाता है ऐसे नॉर्मल, ठीक है, ठीक है।
इसका जो दूसरा प्लग है जो ऐसा शो करता है आपको ये वाला, ठीक है, इसको आगे सीट के नीचे जो प्लग लगा हुआ है यहाँ लगा सकते हो आप इसको, ठीक है सर। जैसे कि आप देख ही रहे हो चार्ज जो हो रही है जो परसेंटेज, ये एक तरह से मोबाइल चार्जर की तरह बड़े वाला चार्जर, बस कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, सो सिंपल है और विद अच्छे नॉर्मल सिंपल है। घर पे कहां भी आप दुकान पे हो शॉप पे हो कहीं भी इसे लगा सकते हो, चलो नो प्रॉब्लम है, ठीक है सर। वेरी गुड। ऑटोमेटिक और सबसे लास्ट मिनट के जैसे हमने आप रात को लगा दी है इसको, आप सो गए हो तो चार्ज ने अपने आप इसको कट कर देना है। मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ इस वीडियो के साथ साथ, अंकल जी को 9 साल हो गए हैं ये यूज करते हो और ये लकीली यहाँ पे आए हुए, तो हम इनके भी रिव्यू लेंगे साथ साथ, पहले एक बार थोड़े से और मॉडल देख लेते हैं। तो और इसमें जो कलर्स आ जाते हैं, जो ब्लैक कलर आ जाता है कॉम्बिनेशन इसका, ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आ जाता है, ठीक है, ये ब्लू कलर में आ जाता है, ये सेम ही चल रहा है अभी, ये उसी के कलर ही चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मॉडल्स है, इसकी वारंटी होती है, कितनी वारंटी होती है इसकी? बैटरी की, मोटर की, कंट्रोलर और कन्वर्टर की 1 ईयर वारंटी है। ओके, ये वाले मॉडल्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक टॉप मॉडल खड़ा हुआ है, सो इसकी 3 इयर्स वारंटी दे रहे हैं हम, बैटरी की भी मोटर की। अब इसमें कौन सी बैटरी है और इसमें कौन सी बैटरी है? ये जो सभी मॉडल्स है इसमें लेड एसिड बैटरी डली हुई है, और ये वाला जो मॉडल है इसमें लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी डली है, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या है, इसकी जो बैटरी की लाइफ है 4 से 5 इयर्स बैटरी की लाइफ है इसकी, ठीक है। और इसकी इसकी 3 साल अप्रोक्सीमेट यहाँ आसपास, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है बैटरी की? जो बात तो आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है, जैसे हमारे घर में नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है ना, तो एक बैटरी की कितनी कॉस्ट आती है अप्रोक्स उस टाइम पे? 30,000 के आसपास आ जाए, 3,000 के आसपास, 3,000 एक बैटरी वाली मॉडल्स हैं, एक बैटरी की लिथियम की। तो कितनी बैटरी डली हुई है इसके अंदर? उसमें 4 बैटरीज है, इसमें 5 बैटरीज। अच्छा, लेड एसिड बैटरी, हाँ ठीक है, जो मतलब कि अगर कोई अच्छे से यूज कर रहा है तो उसको ना भी जरूरत पड़े, हाँ प्रॉपर अगर उसको वो यूज कर, 2 साल तो आराम से चल जाती है बैटरी, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी बैटरी है? इसमें लिथियम बैटरी लगी हुई है। और फीचर वाइज इसमें और इसमें कोई सेम ही है, किलोमीटर एवरेज वाइज भी सेम है, ओके, लुक वाइज भी सेम आ जाती है, ठीक है। उसमें बैटरी का, मोटर वगैरह का, चार्जर का डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें लिथियम डली हुई है और इसमें कौन से, इसमें लेड डली हुई है, इसमें लिथियम, लिथियम डली हुई है। और इसमें इसकी जो चार्जिंग है वो भी फास्ट है इससे, ओके, तो 4 से 5 घंटे में, अगर ये 2.5 से 3 साल निकालती है तो ये 4 से 5 साल चल जाती है, चल जाती है, ठीक है। और ये 7 से 8 घंटे लेती है अगर बिल्कुल डिस्चार्ज हुई हो तो, ठीक है, नॉर्मल डिस्चार्ज हुई हो तो 4-5 घंटे में ये वाले मॉडल चार्ज हो जाती है, ठीक है। और ये वाले मॉडल की बात, मॉडल है 4-5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है, और 2-3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, ओके, फास्ट चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग। और इसकी एवरेज 70 किलोमीटर ही है, 70 किलोमीटर, मतलब कि एक बार चार्ज कर लेते हैं तो 70 किलोमीटर तक इनका, मतलब कि अप्रोक्स 2 लीटर तेल ये पेट्रोल बचा देते हैं जो आज के डेट में 200 रुपए का है। अगर आप, मैं पेट्रोल टैंक के साथ कंपैरिजन करूंगी, अगर आप एक्टिवा में 200 का पेट्रोल डलवाते हो तो 60 से 70 किलोमीटर तक चलते, 60 से 70, ठीक है, बिल्कुल राइट है, 25 से 30 तक की एवरेज ये देती है, ठीक है। अगर इसमें आप इसको फुल चार्ज कर ले तो एक बार 60 से 70 किलोमीटर चल जाती है। और कितनी यूनिट लेती है? 1.5 से 2 यूनिट लेती है, मतलब कि अप्रोक्स 15 से 20 रुपए, 20 रुपए में खर्च के आप 70 किलोमीटर तक की राइड कर लेते हैं, तो मतलब कि इसका ऑन एन एवरेज 2-3 हजार तो वैसे ही बचा लेते हो आप, बचा लेता है। तो अगर तो आप पेट्रोल का खर्चा बचा रहे हो, दूसरा आप इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोई आपको नीड नहीं पड़ती इसकी बनाने की। और एक मोस्टली जो 60 के ऊपर एज वाले हैं उनका लाइसेंस भी नहीं बनता है, उसका लाइसेंस, हाँ उनका लाइसेंस, तो इसका अल्टीमेटली अगर हम कोई कर रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस भी बच गया, ये भी बच गया, आरसी का बच गया, पोल्यूशन का ही बच गया, और पेट्रोल तो ऑब्वियसली बच ही रहा है। तो ये तो बेनिफिट है ही है इसके साथ, और इसका और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जैसे इसकी कोई रिपेयर नहीं है। अच्छा, मोटरसाइकिल की मैं बात करूँ, अच्छा एक हम रिपेयर की बात साथ साथ कर रहे हैं, हम गारंटी की भी बात कर लें, इसकी कितनी आप देते हो? 1 ईयर वारंटी है, 1 ईयर की वारंटी है। वारंटी में क्या क्या कवर करते हो? बैटरी की होती है सर, मोटर की होती है, कंट्रोलर, कन्वर्टर और चार्जर। अगर कोई इनके अंदर प्रॉब्लम आती है तो? तो साल के अंदर अंदर वो अगर तो ठीक होनी हो तो ठीक हो जाती है, अगर रिप्लेस होनी हो तो रिप्लेस भी आप करके देते हो। और इसकी कितने की है? इसकी 3 इयर्स वारंटी है सर, इसकी 3 इयर वारंटी है, बैटरी की भी, मोटर की भी, कंट्रोलर और कन्वर्टर की। ये अप्रोक्स पड़ रही थी, वो हमें बेस मॉडल पड़ रहा था 50 से स्टार्ट होके, ये कितने में पड़? 60, और ये वाला ये 72-70 के आसपास पड़ जाता है। चलो ये अच्छा है, ठीक है। तो ये सारे फीचर हैं इनका, 1 साल का, इनका 3 साल का। और कुछ आप बेनिफिट इसमें बताना चाहते हो कस्टमर को? बेनिफिट और ये है, जैसे कि मार्केट में ऑलमोस्ट चाइनीज बेच रहे हैं, चाइनीज बेच रहे हैं,
जितनी भी गाड़ी हैं सभी की यो बाइक कंपनी का ब्रांड नेम है यो वर्ल्ड और यो बाइक के नाम से जाना जाता है ये ब्रांड। ठीक है, ये इंडिया का ही है, इंडिया का, गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। ओके, मार्केट में चलते हुए 15 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कस्टमर के रिव्यू भी आप कवर करके आ सकते हो। जैसे मैं आप कस्टमर के रिव्यू बताइए। हाँ हाँ, मैं एक कस्टमर के अंकल बैठे ही हैं और उनके रिव्यू ले लेता हूँ। तो हेलो अंकल जी, कैसे हैं आप, अपना नाम बताइए। राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा आपका नाम है। तो आपको कौन सी इनमें से आपको यूज करते हुए कितना टाइम हुआ? तो ये यूज कर रहा हूँ। ये वाले यूज कर रहे हैं आप? साथ वाली एक ही चीज है, सेम ही है, कलर डिफरेंस है, तो आप ये यूज कर रहे हो? ये जो डिफरेंट मॉडल है। तो आप कितने टाइम से यूज कर रहे हैं और कस्टमर को क्या बताना चाहेंगे? तो 2013 से। ओ क्या बात है, इसी कंपनी को 2013 से? कंपनी से जलंधर से परचेज की थी। जलंधर से परचेज की थी, बट आप फगवाड़ा में आ गए हैं। फगवाड़ा में डायरेक्ट आई। चलो कोई बात नहीं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, घर घर में ये चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए, डेफिनेटली इट इज मस्ट। ओके, इट इज मस्ट। तो अंकल जी, और क्या आपने इसके चैलेंज देखे या कोई चीजें देखी, और क्या सबसे अच्छा एक्सपीरियंस? सबसे बड़ी बात ये थी, जो वो गाड़ी थी इससे 1.5 गुना वजन में ज्यादा थी। अच्छा, 1.5 गुना वजन में ज्यादा थी, और ये 1.5 गुना कम है? ये कम है। हाँ, उसका बैटरी का भार ज्यादा था, इसका कम हुआ। अच्छा जी, ये आपको। और जो उसमें ड्रॉबैक थी वो थी कि अगर पंक्चर हो गई तो रिक्शे में या मतलब अब ये ट्यूबलेस टायर आया, तो ये भी चीज अब ये मतलब खत्म हो, ये भी खत्म हो गया। और तो मैं क्या आपको बताऊं, आपने 9 साल चलाई इसको? 9 साल वो चलाई। अच्छा, एक बात इन्होंने नहीं आपको बताई, जब ये बैटरी उसमें से निकलती थी ना, 1,000 रुपये में वो जाती थी। अच्छा, रिप्लेस होते थे, जो पुरानी बैटरी है ना वो भी बिक जाते थे, 1,000 रुपये हमें मिल जाता था। अच्छा, तो अभी उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, जैसे वो 400 से 500 तक बैटरी की रख लेते हैं एक बैटरी, तो आपका 2-3 हजार का तो यही बच जाता है। मतलब कि ये है कि अगर 12,000 की अगर हम बैटरी की बात कर रहे हैं, तो 2-3 हजार तो वैसे निकल आया, 9,000 रुपये आपको और एक्स्ट्रा देना होगा, वो भी 3 साल के बाद आप जाके दे रहे हो। इसमें प्लस पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब भी बैटरी को बदलना है ना, बैटरियाँ जब आपका कहीं जी बैटरी खत्म हो गई, आपने उन बैटरी को चेक करवा लेना है, मतलब कि चेक करवा के जितनी बैटरियां खराब है उतनी ही डलवाएं। हाँ, एग्जैक्ट, वहां पे पैसा बचा सकते हैं। जी जी, और जे मैं आपको बता देता हूँ जी, जैसे इसमें 4 बैटरी लगी हैं, उसमें 5 बैटरी लगी हुई हैं, तो हमें 4 की 4 नहीं बदलानी पड़ेगी, उसमें से एक खराब होगी तो आप एक डलवा लो, दूसरी खराब होगी तो दूसरी डलवा लो। प्लस पॉइंट है इसका आप वाला। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारा पैकेज ये है कि जितना आपका पेट्रोल लग रहा है आप उतना ही पैसा लगा के इसी की कॉस्ट निकाल दो, गाड़ी की कॉस्ट तो आपकी बच्चे के साथ 3 साल में आपकी कॉस्ट छोड़ के 2 गाड़ियां खरीद सकते हो। अरे क्या बात है, तो मतलब कि अल्टीमेट मेरे को यही समझ आया, उस पेट्रोल के पैसे में आप लेकर गाड़ी का पैसा आपको नहीं लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, हाँ आप बताइए, हमारे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेट्रोल पंप पे धक्के नहीं खाने पड़ते। हाँ, घर घर में पेट्रोल पंप लगे हुए, जैसा कि पेट्रोल हमने 110 रुपये 15 रुपये तक चला गया था पहले, ये बहुत प्लस पॉइंट है। और काफी घर में प्लग लगा लो, और जहाँ आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा 9 साल में इसको इस कंपनी में? 99.9 इसलिए आपने नहीं और परचेज की इसी कंपनी? 2 परचेज की जब शुरू हुआ उसी वक्त मैंने कहा, क्योंकि ये बेटा हमारा जो है ना मालिक वो मेरे बच्चों जैसे ही। तो मतलब कि आपका कंपनी पे भी बिलीव है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। जो कंपनी जो मेरे ख्याल में बहुत स्टैंडर्ड की फर्म है, 15 साल हो चुके हैं इसको मार्केट में चलते हुए, जो हमारे इंडिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल थे वो बाइक वाले लेके आए थे, 15 साल हो चुके हैं। 13 साल, 2 साल बाद मैंने ली थी, 15 साल हो गए, 13 साल पहले मैंने ली थी इनसे। चलो, होप सो ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, तो काफ़ी बेनिफिट है अगर आप इसको परचेज करते हो। तो भैया जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको रियल रिव्यू भी मिल गए हैं 9 साल यूज़ करने के बाद, तो ओवरऑल सेटिस्फाइंग है आप इस चीज़ को। इसके प्लस अगर आपके पास 10 मिनट हो तो मैं अपनी बात भी कुछ करनी चाहता हूँ नौजवानों के साथ। चलो ठीक है, तो हम यहाँ इसको कवर करते हैं और फिर अंकल जी की भी बात सुनते हैं। इसके लिए जहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपना नंबर भी बता दीजिए, उसका डिटेल हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो हमारा शोरूम है। अच्छा, मेरे को एक चीज लोन का भी बताइए इसके अंदर। जो लोन की फैसिलिटी है वो सर आज ये है
भी जो गाड़ी की 30% तक पेमेंट है वो आपको करनी पड़ती है, 30% तक आपको डाउन पेमेंट। हम 50,000 लेके चलते हैं, 30 हो गया, 15,000 रुपये आपको देने पड़े, आपको दे सकते हैं पहले, उसके बाद आपका 35,000 के आसपास 70% तक आपका लोन हो जाता है, जो भी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, जो भी आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और उसके साथ मैं बता देता हूँ, जो हमारा ये शोरूम है फगवाड़ा सिटी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला की जो यो बाइक्स की एजेंसी है वो हमारे पास ही है। सो पंजाब में हम रहने वाले हैं, फगवाड़ा शहर है, और फगवाड़े में मॉडल टाउन मार्केट जीटी रोड पे जे शोरूम है, ठीक है जी। और इधर कॉन्टेक्ट नंबर है सर 9872462061, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल इन फगवाड़ा, इलेक्ट्रिक स्कूटर इन फगवाड़ा, तो आपको सकू इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पे वो जो शोरूम है वो आपको मिल जाएगा। इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए वो आपको मिल सकती है। अगर आप शोरूम में विजिट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप शोरूम में विजिट कर सकते हो, जिससे मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपका नाम क्या था? मेरा नाम सर अनिल कुमार है। अनिल कुमार ने हमें बहुत अच्छे से बताया, तो थैंक यू दोस्तों सो मच, और चलो इस ब्लॉग के साथ ऐसे जुड़े रहे और हम और आपको वीडियो ऐसे ऐसे दिखाते रहेंगे। थैंक यू।